दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय लॉर्ड महावीर नर्सिंग कॉलेज नालागढ़। अश्विन नवरात्रों के दौरान विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में 2 लाख भक्तों ने मां के दर्शन कर पुण्य कमाया। इस दौरान नवरात्र के दौरान भक्तों ने मां के चरणों में 93 लाख की नकदी चढ़ाकर सुख शांति की कामना की। मंदिर न्यास श्री नैना देवी के खजाने में इस बार पिछले साल के मुकाबले 15,17,000 की ज्यादा आमदनी हुई है। वहीं मां के दर मुरादे मांगने आने वालों ने 241 ग्राम 260 मिलीग्राम सोना और 18 किलोग्राम चांदी चढ़ाकर अपनी अगाध आस्था का परिचय दिया है। वहीं विदेशी मुद्रा में इस बार न्यास को कनाडा से $95, यूएसए से $20, ऑस्ट्रेलिया से $50, न्यूजीलैंड से $130, इंग्लैंड से 10 पाउंड तथा 100 यूरो का चढ़ावा चढ़ा है। न्यास अध्यक्ष सुभाष गौतम ने बताया कि गत वर्ष न्यास को 77,15,291 नकदी और 439 ग्राम 800 मिलीग्राम सोने का चढ़ावा चढ़ा था। मंदिर न्यासी नीलम शर्मा ने कहा, नवरात्रों में 11 दिन का चढ़ावा मां नैना देवी के चरणों में लगभग 1 करोड़ के रहा। पिछले वर्ष की भांति इस साल ये लगभग 15 लाख रुपए ज़्यादा हुआ। नवरात्रे जो है बड़े शांतिपूर्वक संपन्न हुए। जय माता। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए नमहोल से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट। देश और हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लॉर्ड महावीर नर्सिंग संस्थान एवं अस्पताल लगातार 15 सालों से नर्सिंग एजुकेशन के सेक्टर में नाम कमा रहा है। यह संस्थान अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों से लैस है और यहाँ बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा छात्रों को ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक यहाँ तैनात है जो छात्र छात्राओं को नर्सिंग की बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं। मील का पत्थर साबित करने वाली बात यह है कि लॉर्ड महावीर संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने के बाद हजारों छात्राएं हिमाचल और देश के कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। यही नहीं, संस्थान अपने छात्रों को देश और प्रदेश के बेहतरीन अस्पतालों में क्लिनिकल ट्रेनिंग उपलब्ध करवा रहा है।